हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त विनय पाठक आज आपके साथ एक JBL का पावर स्पीकर लेकर आया हूं, जो आप देख रहे हैं वीडियो में सामने रखा है। दोस्तों, ये JBL का अभी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। अभी इसको मैक्सिमम 1 साल हुआ है लॉन्च हुए, बट मैंने देखा यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया, इसके बारे में कोई आपको खुल के बता नहीं रहा है। कोई वीडियो मैंने ऐसा नहीं देखा जिसमें आपको खुल के इसकी जानकारी दी है, बट मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे पता लगा ये स्पीकर कितना ज़बरदस्त है। तो मैं आपको बताऊँ, ये स्पीकर IRX112BT और IRX108BT दो मॉडल आते हैं इस IRX सीरीज़ में। IRX108BT 8 इंच का है, ब्लूटूथ स्पीकर है, वो भी IRX112BT ये है। ये आपका 12 इंच का है। 108BT का मैंने साउंड टेस्ट भी डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं मेरे वीडियो में। तो आज मैं इसका बताने आया हूँ आपको। दोस्तों, ये स्पीकर आपका 12 इंच का पावर्ड स्पीकर है। इस स्पीकर में आपको ब्लूटूथ की फैसिलिटी मिलती है, EQ के प्रीसेट्स मिलते हैं, रियल वर्ल्ड EQ प्रीसेट्स मिलते हैं, म्यूज़िक डकिंग के फीचर्स मिलते हैं, DBX का एडवांस फीडबैक सप्रेशन है इसमें। इसमें आपके बेस बूस्टेड के ऑप्शन है। आप देखिए, इस स्पीकर में मैंने चेक किया है कई स्पीकर्स ब्रांड में, मैकी के मैंने चेक किया, थम बूस्टेड सीरीज़ चेक किया मैंने, थम सीरीज़ चेक किया मैंने, ईवी के कुछ मॉडल्स चेक किए पावर्ड में, 12 इंच, 15 इंच। मैं तो उन सब स्पीकर्स में मैंने एक चीज़ देखी है, उसमें आपको इसके जैसे प्रीसेट्स नहीं मिलेंगे। उसमें जो भी प्रीसेट्स डाले जाते हैं, वो ब्रांड, जिस ब्रांड का है वो ब्रांड खुद के अपने प्रीसेट्स डालता है, जिसमें आपको अपने हिसाब से सेटिंग करनी पड़ती है बाद में। लेकिन इसमें जो प्रीसेट्स हैं, वो प्रीसेट्स आपके रियल वर्ल्ड प्रीसेट्स हैं, जो आपके एक्चुअली आप यूज़ करते हैं, आपको एक्चुअली उसकी सेटिंग करनी पड़ती है, वो आपको ऑलरेडी इसमें जो है वो प्रीसेट्स आपको मिलेंगे। दूसरा, मैंने देखा उन सीरीज़ उन स्पीकर्स में भी और इन स्पीकर्स में भी क्वालिटी में दोनों ठीक हैं, वो ब्रांड भी ठीक है, बट फीचर्स में थोड़ा बेटर है ये। और दूसरा, इसमें मैंने एक चीज़ एक यूनिक फ़ीचर इसमें सबसे खास देखा, इसमें म्यूज़िक डकिंग का फीचर्स है, जिससे आप कोई भी वोकल अगर आपको इसमें अटैच करना है तो आप म्यूज़िक डक का ऑप्शन ऑन कीजिए, सिंपली जो भी आपका वोकल होगा वो जैसे ही इसके रेंज में आएगा, इस ऐसे ही वो ऑटोमेटिक उसके म्यूज़िक जो भी चल रहा होगा स्पीकर पे, उसको जो है डक कर देगा और आपका जो भी वॉइस होगा उसको फ्रंट पे लाके रख देगा। दूसरा, ये स्पीकर भी आराम से आपको 300 वॉट कंटिन्यू पावर देता है और 1300 वॉट इसका पीक पावर है और 127 dB SPL है। तो ये मैंने देखा कंपैरिजन में, मैंने देखा रेट वाइज, क्वालिटी वाइज, फीचर्स वाइज, तो क्वालिटी वाइज भी, फीचर्स वाइज भी और प्राइसिंग वाइज भी ये स्पीकर बहुत बेस्ट है। आप इसको लीजिए, छोटे प्रोग्राम जितने भी हैं आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका बैक पैनल भी दिखाता हूँ, जिसमें आपको मैं इसके सारे फंक्शंस, जितने भी फीचर्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। साथ में मैं आगे आपको इसके और डिटेल्स बताऊंगा, इसको चला के दिखाऊंगा कैसा साउंड है इसका, तो आप मुझे बताइएगा। तो चलिए हम इसका बैक का फीचर्स देखते हैं, कंट्रोल पैनल जो भी है इसके वो हम देखते हैं, इसके फीचर्स, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो आइए, तो दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रहा था, ये है IRX112 का बैक पैनल, जिसमें क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी वगैरह सारा सेटिंग, सब कुछ सेटिंग इसी नेटवर्क प्लेट पे है। ये नेटवर्क प्लेट का एरिया है। अब इसमें आप देखिए, मैं एक एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे IRX112BT में JBL ने एक EQ प्रीसेट्स दिया है, जिसमें आपको 4 प्रीसेट्स दिए हैं, म्यूज़िक, वोकल, स्पीच, फ्लैट। तो आपको जिस पे भी फ्रेंड्स चलाना है इसको, उस तरीके से आप इसको जस्ट इस बटन को पुश करके आपको म्यूज़िक पे इस स्पीकर को चलाना है तो आपको एज ए म्यूज़िक पे आप इसको क्लिक कर सकते हैं। वोकल चलाना है, कोई वोकल कर रहे हैं आप, तो उसके लिए आप वोकल पे कर दीजिए। अगर कहीं किसी सेमिनार में कोई स्पीच देनी है आपको, तो आप सिंपली स्पीच पे कर दीजिए, स्पीच पे सेट हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी सेटिंग नहीं चाहिए तो आप फ्लैट कर दीजिए, फ्लैट में आपका ये सब बैलेंस में रहेगा, एक एवरेज वाली सेटिंग हो जाएगी। तो जो EQ प्रीसेट्स दिए हैं इस बार IRX में JBL ने, वो पूरा एक रियल वर्ल्ड EQ प्रीसेट्स है, जो एक एक्चुअली यूज़ किया जाता है, जो एक्चुअली बहुत डिमांड में होता है। EQ में हम प्रीसेट्स डालते हैं, सेटिंग करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये दिया है। दूसरी तरफ फ्रेंड्स देखेंगे नीचे, यहाँ पे आपको बेस बूस्ट, AFS और म्यूज़िक डकिंग। आपको अपने किसी भी म्यूज़िक में, किसी भी प्रोग्राम में अगर बेस का और ज़्यादा पंच चाहिए तो आप सिंपली इसको प्रेस कर दीजिए इस तरीके से, ये आपका बेस बूस्ट पे चला जाएगा, जिससे आपका बेस का पंच काफ़ी हाई हो जाएगा, काफ़ी अच्छा पंच आने लग जाएगा। और अगर आपको नॉर्मल चाहिए, जो नॉर्मली चल रहा है आपके स्पीकर से, तो आप इसको सिंपली इसको ऑफ कर दीजिए, पुश करके ये सिंपली बेस बूस्टेड से आउट हो जाएगा। बगल में आपके देखिए यहाँ AFS दिया है, DBX का ऑटोमेटिक फीडबैक सप्रेशर का ऑप्शन दिया है, आप इसको ऑन करके रखिए। आपका जो भी सप्रेशर, सॉरी फीडबैक, जो भी आपका फीडबैक होगा आपके स्पीकर से या आपके जो भी एरिया में आपने लगाया है, तो ऑटोमेटिक उसको सप्रेस करके आपको क्रिस्टल क्लियर साउंड ये देगा। साथ में फ्रेंड्स आपने देखा इसके बगल में म्यूज़िक डकिंग का है, आप चेक कीजिए, आप इस रेंज में पावर्ड स्पीकर थम 12-15 EV के और आपके जितने भी ब्रांड्स हैं QSC के, उसमें आप देखेंगे ये एक यूनिक फीचर आपको दिया है IRX ने इसमें। इसके लिए आपको मिक्सर यूज़ करना पड़ता है, या आपको जो है वॉल्यूम यहाँ से अप डाउन करना पड़ता है,
लेकिन इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इसको ऑन करके रखिए इस तरीके से, तो ये आपका कोई भी वोकल, कोई भी दूसरा ऑडियो, स्पीच, वोकल, कोई भी इसमें डिटेक्ट करता है स्पीकर में, तो ऑटोमेटिक इसका जो भी म्यूज़िक चल रहा होगा वो बैकग्राउंड में जाके ज़ीरो हो जाएगा और आपका स्पीच फ्रंट पे आ जाएगा, वोकल फ्रंट पे आ जाएगा। अगर आप जैसे ही अपना वोकल से हटाते हैं या वो, तो ये डायरेक्ट सीधे ऑटोमेटिक आपका म्यूज़िक फ्रंट पे आ जाएगा और वोकल ज़ीरो हो जाएगा। तो बहुत अच्छा यूनिक फीचर इसमें दिया है फ्रेंड्स। इसके बगल में आप देखेंगे ब्लूटूथ का ऑप्शन है, ये ब्लूटूथ आपका ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए बहुत काम आता है। आपका जो भी ऑडियो स्ट्रीमिंग डिवाइस है उसके थ्रू आप इसको ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करके आप अपना म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, आपको ऐसे पुश करना है इसको और ये आपका ब्लूटूथ देखिए ऑन हो जाएगा। फिर ये आपके अपने फ़ोन और लैपटॉप किसी ब्लूटूथ डिवाइस में आप अपना जो है ब्लूटूथ ऑन कीजिए, आपका IRX112 शो कर देगा, आप कनेक्ट कीजिए जस्ट सिंपल, उसके बाद अपना म्यूज़िक इजीली प्ले कर सकते हो। और इसका ब्लूटूथ मैं बता दूँ 5.0 सीरीज़ का ब्लूटूथ इस पे है, तो काफ़ी ईजिली जो है ये डिटेक्ट कर लेता है, ब्लूटूथ को कनेक्ट कर देता है आप किसी भी डिवाइस से। और दूसरा इसमें एक ये भी खासियत है, इसका ब्लूटूथ आपके किसी भी कनेक्शन जिससे भी कर रहे हैं आप ब्लूटूथ डिवाइस से, उससे 300 फीट का डिस्टेंस आसानी से कवर कर लेता है। तो बहुत इजी है, बहुत ही फास्ट है इसका ब्लूटूथ और बहुत ही ज़बरदस्त है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे दो चैनल दिए हुए हैं, चैनल 1 चैनल 2, दो माइक इनपुट है, कॉम्बी XLR है, और बगल में आपने देखो आपके थ्रू का पॉइंट दिया हुआ है, आप आसानी से जो है यहाँ से लूप कर सकते हैं अपने स्पीकर चाहे जितने एक के बाद एक। और यहाँ आपको ये चैनल 1 का गेन और यहाँ चैनल 2 का गेन दिया है, ये मास्टर वॉल्यूम है। और यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे आपको लिमिट का भी एक साइन दिया है, जैसे ही आपका स्पीकर अपनी वाटेज से एक्स्ट्रा जाता है या आउट ऑफ लिमिट जाता है तो सडनली ये ब्लिंक करने लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा, स्पीकर आपको बता देगा कि आपका स्पीकर लिमिट से ज़्यादा जा रहा है, तो आप इसको आसानी से वॉल्यूम डाउन करके उसको लिमिट में कर सकते हैं। दोस्तों इस स्पीकर में एक सबसे अच्छी खासियत मैं आपको बताता हूँ, आप कोई भी IRX112 दो स्पीकर विदाउट एनी मिक्सर आप इसको स्टीरियो साउंड में भी यूज़ कर सकते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली अपने दोनों स्पीकर्स के ब्लूटूथ को पहले ऑन करना है इस तरीके से, उसके बाद इनको 30 सेकंड के लिए आपको जो है छोड़ देना है, ये आपस में एक दूसरे से कुछ लिंकिंग का टाइम लेते हैं, उसके बाद जो है ये लिंक हो जाएंगे। अब फिर आप अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कीजिए, उसमें कोई भी स्पीकर 1 स्पीकर 2 जो भी आप चाहें उस पर कनेक्शन कीजिए, और उसके बाद आप जो है डायरेक्ट जो है स्टीरियो साउंड चला सकते हैं इसमें, आसानी से स्टीरियो साउंड चल जाएगा आपका, विदाउट एनी मिक्सर, विदाउट एनी अदर इक्विपमेंट आप आराम से चला सकते हैं स्टीरियो साउंड, मूवी देख रहे हैं आप। तो ये आपका एक तरह से देखा जाए बड़ा ही कंपेटिबल स्पीकर है, और मैं इसके जो ये फीचर्स आपको बता रहा हूँ स्टीरियो का, मैं इसको अभी आगे आपको चलाकर भी दिखाऊंगा तो आपको पता लगेगा किस तरीके से चलता है और कितना अच्छा इसका फील आता है। तो चलिए हम इसको आगे यूज़ करते हैं, चलाकर दिखाते हैं, मैं इसका जितने भी फीचर्स हैं मैं इसको चला के दिखाता हूँ और फिर आप देखिए, फिर आप अंदाज़ा लगाना ये स्पीकर आपके लिए कितना बेटर है। तो चलिए हम देखते हैं आगे इसका स्पीकर की थोड़ा हम क्वालिटी देखते हैं, साउंड चेक करते हैं। दोस्तों देखिए आप, मैंने यहाँ पे सिस्टम लगाया है अपना, दो IRX लगाए हैं मैंने ट्राईपॉड पे, एक ये रहा और दूसरा ये रहा, ये हमारा वेयर हाउस है, वेयर हाउस का एक सेक्शन है ये। तो देखिए मैंने आपको दोनों लगा रखे हैं, अब मैं आपको इसकी जो है पीछे से सेटिंग दिखाता हूँ मैंने किस तरीके से इसमें कनेक्ट किया है दोनों को। कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसको कनेक्ट करना, आप देखिए मैंने यहाँ पे इसमें मैंने XLR फीमेल लगा रखा है, लूप थ्रू में देखिए आप मैंने XLR फीमेल लगाया है। दूसरी साइड मैंने इसको एक दूसरे से लूप करने के लिए, स्टीरियो साउंड बनाने के लिए मैंने चैनल 2 में लगाया है, ये देखिए आप यहाँ XLR मेल है, आप यहाँ पे मोनो स्टीरियो भी, मोनो भी लगा सकते हैं क्योंकि ये कॉम्बी है, न्यूट्रिक के अच्छे कनेक्टर हैं इसमें, तो आप लगा सकते हैं। और यहाँ से आप चाहें तो आगे अपना तीसरा स्पीकर भी कनेक्ट कर सकते हैं, और अभी मैंने इसको फ्लैट पे किया हुआ है देखिए आप यहाँ पे। अब मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ, अभी मैं एक स्पीकर आपको चला के दिखाऊंगा मोनो में, तो आप मुझे बताना आप, ये मैंने चला दिया है, अभी देखिए ये मोनो है, अभी सिंगल स्पीकर चल रहा है ये देखिए, अब मैं आपको दोनों स्पीकर चला के दिखाता हूँ दोस्तों, स्टीरियो साउंड दिखाता हूँ मैं आपका, मैंने यहाँ से पीछे से, अब देखिए ये भी चल रहा है, अभी आप देखिए दोनों चल रहे हैं,
और दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊं, जब आप इसको लूप करते हैं एक दूसरे से, तो आपने जिसमें लूप थ्रू में जिसमें कनेक्शन किया है लूप थ्रू का, उसमें उसके थ्रू आप दोनों का वॉल्यूम हटा बढ़ा सकते हैं। देखिए कम हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये आपका म्यूज़िक पे चला गया। देखिए अभी म्यूज़िक पे देखिए आप, देख रहे हैं आप। और मैं अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ, अब मैंने इसको बेस बूस्टेड कर दिया। देखिए बेस कितना आ रहा है इसमें, बेस बूस्ट कर दिया मैंने इसका ऑन। आप देखिए मैं इसका बेस बूस्ट ऑफ कर देता हूँ। मैं ये शोर का माइक है, इसको लगाता हूँ मैं अभी। म्यूजिक इसका चल गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये म्यूजिक चल रहा है, मैंने म्यूजिक डक का सिस्टम पीछे से ऑन कर रखा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, माइक मैंने ऑन किया। अब देखिए आप, हेलो हेलो, 1 2 3 चेक, हेलो माय फ्रेंड्स। आप अभी देख रहे हैं IRX112VT, जिसमें मैंने म्यूजिक डक का सिस्टम ऑफ किया। आप देख रहे हैं जैसे मेरा वोकल आता है, वैसे ही जो है ये म्यूजिक डक का सिस्टम ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, और उसके बाद जो है वोकल फ्रंट पे और जो है आपका म्यूजिक जो है देखिए आप बैक पे चला जाता है। जैसे ही मैं वोकल हटाऊंगा आप देखेंगे म्यूजिक आपका फ्रंट पे आ जाएगा। अभी देखिए आप देख रहे हैं आप, अभी जो है म्यूजिक जो है आपका फ्रंट पे। अब जैसे मैं वोकल बोलूंगा हेलो 1 2 3 चेक, हेलो हेलो 1 2 3 चेक, कैन यू हियर मी माय फ्रेंड। अब देखिए जैसे ही मैंने वोकल हटाया, वॉल्यूम अपने आप म्यूजिक का हाई हो गया है। आपने देखा म्यूजिक में क्या क्वालिटी आ रही है। अभी तो एक बंद कमरे में है, सोचिए जब ये ऑल हमने इसको कई जगह लगाया है, आउटडोर में इवेंट्स में भी यूज़ किया, आश्रम में भी लगाया है, तो आप सोचिए किस लेवल का साउंड देता होगा 300 वॉट ये 12 इंच के स्पीकर में, 15 इंच के स्पीकर की क्वालिटी आपको देता है। तो आप इसको आसानी से किसी भी स्मॉल वेडिंग इंगेजमेंट के लिए और स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए, और आप एक दो लोग हैं, आपको कुछ आपके प्रोग्राम होते हैं लाइव, तो उसमें आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप देखिए अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप देखिए म्यूजिक डाउन हो गया है, जैसे वोकल बोलने लगे अब म्यूजिक अपने आप डक पे आ गया, डाउन हो गया, और मेरा स्पीच वोकल जो है आसानी से जो है आप देखिए कैसे जो है मेरा देखिए हेलो हेलो डाउन हो गया। अभी डक का सिस्टम कितना फास्ट है। तो दोस्तों ये था हमारा IRX112VT, आपने भी देखा इसमें कितने अच्छे फीचर्स हैं और आपने देखा इसकी क्या क्वालिटी है। तो आप इसको आसानी से स्मॉल वेडिंग्स, इंगेजमेंट, बैंक्वेट हॉल, आपके लाइव रिकॉर्डिंग, लाइव स्टूडियो, आपके छोटे प्रोग्राम्स में बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और आप इसको सराउंड में 4 5 6 स्पीकर लगाकर बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। 2 स्पीकर में आपको 2 माइक लगाकर, 3 माइक लगाकर आप आसानी से विदाउट मिक्सर इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी लाइव प्रोग्राम में। तो आप इसको यूज़ कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो बिल्कुल आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इसके बारे में जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा। आपको आसानी से ये हर जगह मिल जाएगा, आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा, हमारे पास भी मिल जाएगा, तो आपको जहाँ से सूटेबल लगे वहाँ से आप ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मेरे पे भरोसा करके आप यूज़ कीजिए, आपको बिल्कुल इसमें कोई कमी नज़र नहीं आएगी। और मैं आपको इसी के साथ अलविदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ। मेरा चैनल ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगले वीडियो में आपको नोटपैड सीरीज़ मिक्सर में किस तरीके से ऑडियो रिकॉर्डिंग की जाती है उसके बारे में बताऊंगा, कैसे की जाती है वो बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद।